नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस कोर्स में जिसका नाम है कि किस तरीके से आप अपना खुद का चाप का काउंटर ओपन कर सकते हैं, वो भी केवल 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से पुदीना गार्लिक चाप बनाई जाती है। तो सबसे पहले वही, ये जो हमारा मगज है, ठीक है, इसको हम लेंगे मगज को, और थोड़ा पुदीना गार्लिक है तो इसमें हल्का सा, बहुत हल्का सा मामूली सा ग्रीन कलर जाएगा, ठीक है। साथ के साथ ये जो पुदीना और धनिया पत्ते की जो हमारी ये जो चटनी है, ठीक है, ये जाएगा इसके अंदर, और गार्लिक, ठीक है, ये गार्लिक जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाएंगी और ये सब डाल के हम कर लेंगे इसको मिक्स। अंदर इस चटनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इसको हम डाल के कर लेंगे मिक्स। और अब इसमें हम डालेंगे हाफ प्लेट, हम लगा रहे हैं अभी, ठीक है, हाफ प्लेट लगा रहे हैं, तो इसके अंदर हम ये इसको डाल के अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी चाप है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से कुक हो सके। अगर आप इसको ना लगा के कुछ देर इस तरीके से छोड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट तो क्या होगा, ये पूरा अच्छे तरीके से सोख लेगी इसको और ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं अपनी सीख के ऊपर, ठीक है, द सेम प्रोसीजर बिल्कुल एकदम वही सेम है सीख पे लगाने का, ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में सिखा भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, ठीक है। जो ये कटी वाली चाप होती है वो इस तरीके से जाती है, ठीक है, इसका जो कटा वाला हिस्सा होता है वो इस तरीके से बाहर निकालना, इधर से एंटर करके और यहाँ से निकालना होता है, ठीक है। तो अब हम इसको लगाएंगे अपने तंदूर में। तो दोस्तों अब ये तंदूर में जा चुकी है और तंदूर में इसको पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, जब तक ये पकेगी, ठीक है। और ये अंदर वाला साइड जो मैं कई बार बता चुका हूँ, ये अंदर वाले साइड पे, ठीक है, अंदर वाली जो साइड होती है इसको हमें कोयले की साइड पे रखना होता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाफ डन होती है, ठीक है, और जो जो दूसरा हिस्सा होता है वो तो प्रॉपरली कुक हो चुका होता है। तो दोस्तों ये लगभग ऑलमोस्ट अब डन ही हो चुकी है, ठीक है। अगर जैसे अगर आपको लगता है कभी कभार कि हल्का सा, ये एक हमारा तरीका ये भी होता है, आपको इस तरीके से भी इसको सेक सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस 30 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंदर ये हमारी जो चाप है ये कुक हो जाएगी। तो दोस्तों अब ये जो हमारी चाप है पुदीना गार्लिक, ठीक है, ये हमारी चाप जो है ये कुक हो चुकी है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से पूरी जो है ये कुक हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको आगे के जो इसका प्रिपरेशन करने का जो तरीका होता है वो हम आपको सिखाएंगे, वो किस तरीके से आगे इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये इसकी हम करेंगे कटिंग, जो इसका एक ये ब्लैकपन है, ठीक है, इसको आप क्या है कटिंग करके इस तरीके से इसको हटा लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इस तरीके से करके, ठीक है, ये आप इसको हटा के इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब ये कटिंग करने के बाद जो है इसके अंदर हम डालेंगे अनियन, ठीक है, अनियन डालेंगे और इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया पत्ता, ठीक है, और फिर इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा लेमन और हमारा चाट मसाला, ठीक है, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये जो हमारी जो चटनी है पुदीना और धनिया पत्ते की जो हमारी चटनी है थोड़ा सा ये जाएगा इसके अंदर, और साथ के साथ हल्का सा थोड़ा बटर जाएगा इसके अंदर। और अब इन सब चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स, ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स अच्छे तरीके से, और इसको इस तरीके से कर देंगे हम प्रेस, ताकि ये अंदर तक जो है जो चाप के जो सारा जो फ्लेवर्स हैं, ठीक है, लेमन का, मसाले का, पुदीना का और गार्लिक का, ये जो सारे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर चले जाएँ, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर देंगे प्रेस, और ये अब रेडी है सर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों थी हमारी पुदीना गार्लिक चाप। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से जो पुदीना गार्लिक की जो रेसिपी है किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस चाप को करेंगे ट्राई, पुदीना और गार्लिक जो चाप है, ठीक है, इसको हम करेंगे ट्राई, ठीक है। पहले इसको हम वैसे ही खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों इसके अंदर पुदीना और गार्लिक का पूरा टेस्ट आ रहा है, ठीक है, और मतलब बिल्कुल अलग, नॉर्मली रूटीन में चलती रहती है ना हरियाली चाप, मलाई चाप, अफगानी चाप, ठीक है, कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, ठीक है, एक ही चीज़ से अगर आप बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट ट्राई भी कर सकते हैं। अब इसको हम लगा के देखेंगे चटनी के साथ। चटनी के साथ इसका टेस्ट एकदम अल्टीमेट, एकदम मज़ेदार,
आई होप दोस्तों आपको ऐसे समझ में आई हो किस तरीके से चाप बनती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।